Hey guys, this is Alnaki Khan and you are watching The Literature Man. Today we will summarize an anthem, an English anthem, Anthem for Doomed Youth, an English poem by a writer, Wilfred Owen. An Anthem for Doomed Youth is an anti-war poem. It is an elegy written during First World War. Ye gham ka geet hai, that was written in 1917. It is written in the form of sonnet, written in the memory of soldiers who died during First World War. Sonnet means a poem in the form of song, containing 14 lines. So let's explain an anthem for doomed youth. एंथम फॉर डूम्ड यूथ, तबाहाल नौजवानों के लिए तराना। द फ्रेज डूम्ड यूथ इज यूज्ड एज एन आयरनी। द वर्ड डूम्ड इज ऑफन एसोसिएटेड विद डिस्ट्रक्शन, तबाही, वाइल यूथ इज अ सिंबल ऑफ लाइफ। जहां एक तरफ टाइटल में डूम्ड वर्ड यूज करके तबाही की तरफ इशारा किया गया है, वहीं दूसरी तरफ वर्ड यूथ हमारी तवज्जो जिंदगी की तरफ दिलाता है। Horrors of war, death, sufferings, and destruction in war are the major themes of this poem. What passing bells for these who die as cattle? मवेशियों की तरह मरने वालों के लिए कौन सी घंटियां बजाई जाती हैं? मतलब जो मैदान जंग में जानवरों की तरह मारे जाते हैं, उनके लिए कौन सा किसी चर्च की घंटियां बजाई जाती हैं? उनका जनाजा तक नहीं होता। Only the monstrous anger of the guns, महज बंदूकों का खौफनाक गुस्सा। मतलब उन मरने वालों के लिए तो महज बंदूकों की जोरदार गर्ज की आवाजें ही होती हैं। Only the stuttering rifles rapid rattle, महज हकलाती हुई राइफल्स की तेज बजने की आवाज। Can patter out their hasty Horizons, उनकी मनाजात को बाहर निकाल सकती है। मतलब राइफल्स यानी बंदूकों की तेजी से बजती हुई आवाज ही उन मरने वालों के दिलों से कोई दुआ निकाल सकती है। No mockeries now for them, no prayers nor bells, अब उनके लिए कोई तमस्खर नहीं, ना नमाजें ना घंटियां। Nor any voice of mourning save the choirs, ना ही सोगवारों की कोई आवाज। मतलब अब यहां कोई भी उनका तमस्खर उनका मजाक नहीं उड़ाएगा, ना ही उनके लिए कोई नमाज होगी, ना किसी चर्च की घंटियां बजाई जाएंगी, और ना ही सोगवारों रोने वालों की कोई आवाज होगी। The shrill demented choirs of wailing shells, दर्दनाक शेल्स की चीखती हुई बदहवास आवाजें। द वर्ड कोयर्स मीन्स गाने वालों का ग्रो, बट यहां इसका मतलब एक धुन या आवाज लिया गया है। मतलब बंदूक से निकलने वाले शेलों की चीखती हुई आवाज हर तरफ होगी। एंड बगल्स कॉलिंग फॉर देम फ्रॉम सैड शायर्स, और गमजदा देहातों से उनके लिए तबल बजाए जाएंगे। बगल्स इज एन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तांबे का बना हुआ तबल, जो पुराने विलेजेस में किसी की आमद या किसी गम पर बजाया जाता था। शायर्स मीन विलेजेस, मतलब उन मरने वालों की याद में उनके विलेजेस उनके गांव में तबल बजाए जाएंगे। इन सेकंड स्टांजा, व्हाट कैंडल्स मे बी हेल्ड टू स्पीड देम ऑल, और कौन सी मोमबत्तियों को जलाया जा सकता है उनकी मौत को जल्द करने के लिए, ताकि वो जल्द मर जाएं और ये मरते वक्त की तकलीफ से आजाद हो जाएं। आई एम रिमेम्बरिंग अ लाइन ऑफ उर्दू पोएट्री, जिस जगह थी मौत आसान, जिंदगी दुश्वार थी। सो दिस इज अबाउट बैटल फील्ड, कि कौन सी मोमबत्तियां जलाई जाएं कि उनको मौत जल्द आ जाए। Not in the hands of boys, but in their eyes, लड़कों के हाथों में नहीं, लेकिन उनकी आंखों में। Shall shine the holy glimmers
ऑफ गुड बायस जो विदाई की मुकद्दस किरणों को चमका देंगी। मतलब मोमबत्तियाँ जो लड़कों की यानी मरने वालों की निगाहों में होंगी मरते वक्त, उस वक्त वो आँखों की चमक उनकी विदाई को और भी ज़्यादा चमका देगी। Here you can easily observe that how visual imagery is used to create an emotional touch. The pallor of girls' brows shall be their pall. लड़कियों की भवों की बेरौनकी उनका कफन बनेगी। यानी जो लड़कियां अपने इन जवान खूबसूरत सिपाहियों की वापसी के इंतजार में थीं, उनके मौत पर उनकी भवें, उनकी पलकें बेरौनक होकर नीचे की तरफ ढलकेंगी और उन जवानों का कफन बनेंगी। देयर फ्लावर्स द टेंडरनेस ऑफ पेशेंट माइंड्स, उनके फूल पुरसकून जहनों की नज़ाकत बनेंगे। यानी उन लड़कियों या उन सिपाहियों के जो भी लवाहिकीन होंगे, उन साबिर और पुरसकून लोगों की नज़ाकत और रहम दिली इन मरते हुए जवानों के लिए फूलों की चादर बनेंगी, क्योंकि यहाँ बैटल फील्ड में, मकतल में ना तो इन्हें कफन दिया जाएगा ना फूल फेंके जाएंगे। एंड ईच स्लो डस्क अ ड्राउनिंग डाउन ऑफ ब्लाइंड्स, और हर एक धीमी शाम पर्दों को नीचे ढलकाने की शाम होगी। मतलब जो सोल्जर्स अब बच चुके हैं, वार की हकीकत से अवेयर हो चुके हैं, जान चुके हैं, वो चाहकर भी वापस नहीं लौट सकते। सारे दिन की तबाही खून खराबा देखने के बाद हर शाम बचे हुए सिपाही यूं ही अपने कैंपस के पर्दे ढलकाते रहेंगे। मतलब जंग जब तक जारी रहेगी, यूं ही ये जवान मरते रहेंगे। एट द एंड ऑफ द पोइम, मैं ये बताता चलूं दैट ओवन यूजेस मेटाफर्स थ्रू आउट हिज पोइम। कैटल्स फॉर सोल्जर्स, श्रील फॉर इंटेंसिटी ऑफ बुलेट्स, एंड नेक्स्ट स्टैंजा में लड़कियों का गम बयान करने के लिए उनके आईब्रोज को उनका कफन कहता है, Paul for bros, and uses phrase blind closing for the end of the day. Iske ilawa, the poem is written in form of Italian sonnet, having an octave and a sestet. Pehla stanza 8 lines ka hai aur dusra 6 lines ka hai. But like an English sonnet, the poem has a rhyming scheme: A B A B C D C D E F FEGG. So guys, goodbye Tata, see you in the next video. Allah Hafiz.